एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। जहाँ दोस्तों रोहित और शुभमन गिल ने मिलकर नेपाल को 30 मिनट में धूल चटा दिया है। यहाँ दोस्तों भारत और नेपाल के बीच खेला गया मुकाबले से रोहित शर्मा और शुभमन गिल को लेकर बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। उन्हीं बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो बात करें एशिया कप 2023 का, जो भारत और नेपाल का मुकाबला खेला गया है, बेहद ही अहम मुकाबला था, क्योंकि बता दें कि टीम इंडिया का यह मुकाबला किसी भी हाल में जीतना था तभी आगे वह सुपर फोर में अपना जगह बना पाती। और ऐसा ही है, टीम इंडिया एक तरफा तरीके से हराया है नेपाल को। यहां दोस्तों बता दें कि नेपाल की टीम ने तो टक्कर दी टीम इंडिया को, लेकिन उतना भी टक्कर नहीं थी कि टीम इंडिया को दिक्कत हो जीत में। यहां दोस्तों बता दें कि टीम इंडिया ने नेपाल को 10 विकेटों से हराया। इसमें जो सबसे अहम रोल है वह है शुभमन गिल और रोहित शर्मा का। यहां दोस्तों बता दें कि बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में भी कमाल का परफॉर्मेंस किए भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज। बता दें कि जहां नेपाल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 230 रन बनाए, लेकिन 22 जाने की वजह से अब इसका ओवर कम कर दिया गया और 23 ओवर में टीम इंडिया को बनाना था 145 रन, जो कि ठीक ठाक स्कोर है। इसे बचाया जा सकता है अगर टॉप क्वालिटी के गेंदबाज हो तो, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से ओपनर बल्लेबाज कुछ आज अलग करने का मूड में थे। यहां दोस्तों बता दें कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने कमाल की पारी खेली। तो बता दें कि रोहित शर्मा जहां शानदार 74 रनों की पारी खेले, तो वहीं बता दें कि शुभमन गिल ने 67 रन बनाए और टीम इंडिया को यह मुकाबला 10 विकेटों से जीता दिया है और सुपर फोर में टीम इंडिया का जगह भी पक्का हो गया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सुपर फोर में टीम इंडिया का फिर से मुकाबला होने वाला पाकिस्तान के खिलाफ, तो टीम इंडिया का कैसा रहेगा प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।